आदमी मुर्तद है और वाजिबुल कत्ल है। फायरिंग तो आप सुन ही रहे होंगे, तकरीबन इस वक्त 12 से 15 बंदे जो मस्जिद के अंदर आ गए हैं, जिन्होंने ग्रेनेड भी आ गया और फायरिंग पे फायरिंग हो रही है। उस वक्त काफी लोग शहीद हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ हाजिर खिदमत हैं हमारे इस प्रोग्राम के आज के मेहमान मुकर्रम सलीमुद्दीन साहब नाज़र उमूर आम्मा हैं। नाज़रीन, कुरान करीम की सूरत हज में जहां मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त दी गई, उसमें जिहाद के जो दीगर मकासद थे उसका एक मकसद ये बयान फरमाया गया कि ताकि दुनिया में आज़ादी मजहब और आज़ादी इजहार कायम हो और दुनिया के हर मसलक और हर मजहब की इबादत गाहों की, ख्वाह वो मसाजिद हों, ख्वाह वो गिरजे हों, ख्वाह वो किसी के और कोई भी किसी भी रंग की इबादत गाहें हों, उनका तहफ़ुज़ हो। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता शब पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक सूबा पंजाब के मारूफ शहर सियालकोट में एक अंदोनाक वाक़या रूनमा हुआ, जिसमें जमात अहमदिया की एक 100 साल कदीम जो एक मकान था, हजरत हकीम हसामुद्दीन साहब का मकान, जो कि गली भी उसी नाम से उनकी मशहूर है, उसको नहायत बेदर्दी के साथ गिरा दिया गया। और सिर्फ उसी पर बस नहीं किया गया बल्कि उसके साथ एक मुल्हे का मस्जिद उसको भी साथ ही, जो ईमान की हरारत वालों ने गिरा दिया। ये क्या वाक़या हुआ, इसकी तफसील हम जानेंगे मुकर्रम सलीमुद्दीन साहब से जो नाज़र उमूर आम्मा है। इसका पस मंज़र क्या था सलीम साहब और ये क्या हुआ? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि कूचा हकीम हसामुद्दीन साहब सियालकोट कश्मीरी महल्ला का एक कूचा है और गली भी उसी नाम से जानी जाती है। वहाँ पे हज़रत हकीम हसामुद्दीन साहब का एक मकान जो तारीखी अहमियत का हामिल है और हज़रत अकदस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कई दफ़ा वहाँ क़याम पज़ीर हुए और लेक्चर रिवायत है कि वहाँ तो उस, चूंकि मकान बहुत पुराना है और अरसा दराज उसको गुजर चुका है, तो हर मकान तज़ीन व आरायश और रेनोवेशन मांगता है। तो इस मकान की भी रेनोवेशन का सिलसिला शुरू किया गया था कुछ अरसा कबल और बाकायदा इसकी सरकार से इजाज़त भी हासिल की गई। उस मकान जो डबल स्टोरी मकान है और पुराना बना हुआ है, कोई नई तामीर उसकी हम नहीं कर रहे थे, उसको सिर्फ रेनोवेट किया जा रहा था। उसकी सिर्फ रेनोवेशन हो रही थी और उसको एज इट इज प्रिजर्व किया जा रहा था, क्योंकि उसकी एक तारीखी हैसियत थी और हमारे लिए बहरहाल उसकी गैर मामूली अहमियत थी। तो TMA में, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकायदा दरख्वास्त दे के उसकी सेंक्शन करवाई गई। ये सेंक्शन लेटर हमारे पास मौजूद है, दिखा देंगे। इसी तरह उसकी फीस डबल स्टोरी की हमने जमा करवाई, बल्कि आप सेंक्शन लेटर मुझे पहले शुरू में दिखा रहे थे, उसमें लिखा हुआ डबल स्टोरी, डबल स्टोरी लिखा हुआ था, अमीर मकान डबल स्टोरी, बाकायदा उसका वो सारा जो उनकी लैंग्वेज होती है उसके मुताबिक इसकी इजाजत मिली। नक्शा उन्होंने एक स्टोरी का हमें दिया कि चूंकि बायलॉज में इस इलाके में डबल स्टोरी मकान नहीं बन सकता। अच्छा, ये वैसे इर्द गिर्द सारे डबल स्टोरी हैं और किसी का कोई नक्शा नहीं है, किसी के पास कोई नक्शा नहीं, सारे मकान डबल स्टोरी और 3 मंजिला बने हुए। लेकिन चूंकि ये खास अहमियत का हामिल मकान था और इसके ऊपर लाजमी बात है कि एक मुला जो है वो उसको कोई ना कोई इशू चाहिए, मुला ने इसको शुरू कर दिया कि ये मजे की बात है। 100 साल तक इससे कोई नहीं हुआ था, नहीं नहीं किसी को कोई इशू नहीं था। उसको ये इशू खड़ा कर दिया गया कि ये एक अजायब घर बन रहा है। अच्छा, उनको बावर कराया गया कि अजायब घर नहीं, एक मकान है जो हमारी मिल्कियत में है, उसको नई तामीर भी नहीं हो रही, उन्हीं बुनियादों पर कायम है, उसकी रेनोवेशन करवाई जा रही है, उसके लिए बाकायदा हमने मंजूरी भी हासिल की हुई। बहरहाल चूंकि मुल्ला का बदकिस्मती से इस मुल्क में प्रेशर इतना ज्यादा है, राज ही उनका और पीरे तस्मा पा बन गया, तो
उसके प्रेशर पे आके टीएमए ने वहां पे जाके उसको सील कर दी, सील कर और कहा कि आपने जी डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाई। अच्छा, ये सील शुदा मकान है? ये मकान सील शुदा है और ये चंद दिन पहले सील किया गया, और एक नोटिस उन्होंने हमें भिजवा दिया कि आप ये जो है वो नहीं कर सकते डबल स्टोरी, हालांकि हमारी से फीस डबल स्टोरी के लिए और हमारे पास सैंक्शन और हमन जो नोटिस होता है उसके बाद पूरी अगर कोई भी कार्रवाई होती है नोटिस का जवाब उसका फिर जवाब उसकी हियरिंग सारी है वो सारा वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। गुज़श्ता रात टीएमए के एहलकार अपने साथ कुछ मजदूर लेके और वो कुल्हाड़े और वो कसियां और वो थोड़ियां और वो हथौड़े वगैरह लेके तो वहां पहुंच गए, और ये वक्त है कोई रात 11 बजे के बाद, यानी सरकार सरकार काम कर रही है। मजे की बात है कि सरकार का ये काम है कि वो एक अगर उनके नजदीक ये कानूनी काम है तो वो दिन की रोशनी में है, उनको क्या प्रॉब्लम है भाई, वो एक सरकारी ड्यूटी सर अंजाम देने आ रहे हैं। लेकिन वो रात के अंधेरे में आए, उसी वक्त ये शुबा पड़ा था कि ये कोई बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ, क्योंकि जूं ही वो आए उन्होंने पहली मंजिल पे चढ़ के तो वो अपना काम शुरू किया कि हम इसको गिराने आए। अभी सील उसी तरह ही है, गिराने आए, वो गिराने का काम शुरू किया तो फौरन वहां पे मॉब आ गया। भाई वो मॉब कहां से आ गया, कहां से आ गया, रात 11 बजे 811 बजे के बाद इतनी प्लानिंग हुई हुई थी कि वो सारे वहां इकट्ठे। अब वो मजदूर प्लस ये मॉब, इन्होंने ये वो कार्रवाई शुरू कर दी, और बदकिस्मती ये कि उसके साथ ही हमारी वो जिसको हम जो यहाँ हम मस्जिद नहीं कह सकते, इबादतगाह है जिसको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मस्जिद नहीं कह सकते। पहले वो मस्जिद थी, जो बेरुनी पाकिस्तानी हमारे नाजरीन है उनसे माजरत के साथ कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हम उस इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। 84 से पहले उसको सारे मस्जिद कहते थे और सारा मोहल्ला उसको मस्जिद ही कहता है। ये मॉब चूंकि प्लानिंग के साथ आया था, नीयत इनकी सिर्फ वो मकान तोड़ना नहीं था, और वो खासा मजबूत मकान था, इतनी आसानी से इनसे टूटता भी नहीं था। उसको इन्होंने जितना बर्बाद करना था और उसमें उसके तोड़ फोड़ करनी थी वो इन्होंने की, लेकिन कंक्रीट की आखिर दीवारें थी वो इनके हथौड़ों से तो नहीं टूटती थी। बारह वुडवर्क सारा बड़ा अच्छा काम वहां पे खर्च करके हुआ हुआ तो सारा इन्होंने बर्बाद कर दिया और बेशुमार नुकसान पहुंचाया। तो भाई ये मस्जिद की तरह हो रही, और वो हमारी जो तारीखी एक मस्जिद है बैत मुबारक उसको इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया इस नाम पे। जी हमारा तो बड़ा पुराना मुतालबा था, जिस तरह आपने किसी मौलवी की तकरीर में जो चल रहा है उसमें सुना होगा। ये नाजरीन ये हमें अभी आपको ये क्लिप दिखाते हैं कि ये जो अभी श्रीमुद्दीन साहब ये बता रहे हैं, ये बाकायदा एक मौलवी साहब ने इसका पहले एक अल्टीमेटम दिया। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, या तो हमें मार दो, या तो मेरे वजूद के टुकड़े कर दो, या इंदा जुमे से पहले पहले इसको बंद न किया गया तो डूंगा बाग से तुम्हारे ऑफिस का रास्ता दूर नहीं। और मैं यकीनन मोहब्बत से कहूंगा, इसलिए आप मुसलमान हैं, डीपीओ डीसीओ साहब मुसलमान हैं, अगर आप लोगों ने ये काम किया तो हम शुक्रगुजार होंगे कि आप हमारे साथ शामिल हुए, आप नहीं भी शामिल होंगे तो हम करेंगे। जिसको शर्म आई वो मुतमुनी से कर ले, हम करेंगे, मैं उसको बंद करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें वो माल गिरा के दिखाऊंगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि मोहम्मद अरबी के गुलामों की गैरत और कुव्वत का दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। आप बताइए क्या आप मेरी इस राय से हम बड़े पुरमन लोग हैं, हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम डीसी साहब हम हाथ में नहीं लेंगे, डीपीओ साहब हम हाथ में नहीं लेंगे, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। 10 आपके पास 8 दिन हैं, सुभान अल्लाह, अगले जुमे के बाद फिर हम कानून हाथ में सब ठीक है ना, परेशान तो नहीं हुए? जिसका दिल धड़धड़ कर रहे नीचे रख ले हाथ, जो परेशान है हाथ नीचे करे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि माओं की गैरत के पले हुए लोगों ने हाथ खड़े करके बता दिया
इनके खून का एक कतरा हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए है। बदकिस्मती ये है कि तहसील इंतजामिया भी उनके साथ, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी उनके साथ, पुलिस भी उनके साथ। ये सील करने के बाद वहां पुलिस एहलकार भी 3-4 मौजूद रहते थे रोज। कल कहां थे रसीम साहब? ये जब वो आए हैं और उनके पास, अगर उसको वो कानून का आप कह लें कि बेदरेग इस्तेमाल या अंधा इस्तेमाल, चले जो भी हो, रात के अंधेरे में भी आए, वो तो उस हमारी जो हकीम हसामुद्दीन साहब कूचा, वो उनकी जो था ऊपर की बिल्डिंग की हद तक था, ना नीचे के हिस्से की हद तक था, ना मस्जिद की हद तक था। वो जब आए हैं उनसे पूछा गया कि आपके पास कोई अथॉरिटी है कि आप ये काम करने आए, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास अथॉरिटी कोई नहीं, लेकिन हमने ये करना। तो आप इससे समझ लीजिए ना कि चोर रस्ते से, चोर वक्त में आए हैं, तो इसका मतलब तो बड़ा वाजह है कि वो उनके दिल में ये चोर था कि दिन की रोशनी में आए तो दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेगी कि किस काम से हम आ रहे हैं, हमारी सील है। रात के अंधेरे में आए और मॉब इकट्ठा किया, मस्जिद को भी गिराने से किसी ने नहीं रोका। नहीं नहीं, वहां पे पुलिस भी मौजूद थी। सुबह आप ये देखे ना कि 11 बजे के बाद वो आए और सेरी के वक्त, आखिर मोमिन थे, मुसलमान थे, तरावी पढ़ के आए होंगे, खुदा के नाम पे खुदा का घर गिरा के बर्बाद करके जाकर रोजा भी तो रखना था। सेरी तक ये काम करते रहे, उसके बाद चले गए, रोजा रखा, फिर एक मॉब आ गया, फिर मस्जिदों से लोग आ गए कि हमने बाकी का गिराना है, कुछ कमान की हरारत अभी वो बाकी उन्होंने उस वक्त शुरू कर दी करनी। उस वक्त भी किसी उस वक्त फिर दोबारा हमने इनसे दरखास्त की, डीपीओ से मेरी खुद बात हुई, मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई अब जवाब नहीं रहता इस कि आप उनके साथ जो है वो मिलकर कर रहे हैं। और उसका सबूत बाद में एक इसी मौलवी ने, जिसका नाम हामिद रजा, जिसका आपने अभी जिक्र किया, उसने शुक्रिया अदा किया इंतजामिया का। अच्छा, ये भी है, वो भी क्लिप एक चला हुआ है जी, कि उसमें उसने कहा कि जी मैं इसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मतलब वो और शुक्रिया अदा इसलिए कर रहे हैं कि जी उनके मकासद उन्होंने पूरे कर दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अब ये देखें कि ये सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान बदकिस्मती से। डीपीओ साहब आपने बहुत बड़ा अजीम काम किया, डीसी साहब आपने बहुत अजीम काम किया, और इस इलाके से चेयरमैन जो है मुजाहिद साहब किधर है, आपको भी आपकी टीम को भी हम जो है वो खिराज तहसीन पेश करते हैं, और ये मीनार मैंने खुद गिराए हैं। कोई इनके खिलाफ मुकदमा या कोई चीज जो देखे, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एप्लीकेशन मूव की है जो SHO है मुतलका, उसके नाम देखें क्या करते हैं, उसमें हमने नाम नॉमिनेट किया। हालांकि ये उनको आज खुद करना चाहिए था, पुलिस को ये आज खुद करना चाहिए था। पहले रोकना चाहिए था, नजदीक ये दहशतगर्दी, दहशतगर्दी। अगर वहां पे अभी तो जान बच गई, अगर वहां पे उस वक्त मौके पे अगर कोई एमडी मौजूद होता और आइडेंटिफाई होता तो उसको इन्होंने छोड़ना था। ये जिस तरह में क्या किया, इसके क्लिप्स आ रहे हैं गुजरांवाला में भी, गुजरांवाला में देखे ना अभी चंद साल पहले की बात। ये एक ट्रेंड है, जहां जहां इस तरह के वाकयात हुए, झेलम की फैक्ट्री ले लें, गुजरांवाला का वो घरों पे कच्ची बादी में जो अटैक किया था, घर जला दिए थे, बच्चियां और एक बुजुर्ग खातून वो शहीद हो गए थे। इसी तरह अभी पिछले 1-2 साल पहले जो दुलमियाल में हुआ, तो मॉब अटैक करता है और इंतजामिया की पूरी रहती है कि अब ये कर लें तो फिर उसके बाद हम जो है ना वो, और उसके बाद अमलन कार्रवाई भी कोई। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक रिपोर्टर से बात हो रही थी जो एक मारूफ अखबार के रिपोर्टर है, तो उन्होंने कहा कि आपका मौकफ मुझे इस बात पे चाहिए। तो मैंने अर्ज किया जो एक्चुअल बात थी, तो कहने लगे DPO साहब ने कहा है कि ये हमने तो रोल प्ले किया, हमारा शुक्रिया वो मौली, उन्होंने पूछा उनसे कि वो मौली साहब आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो शुक्रिया इस बात पे अदा कर रहे थे हमारा कि हमने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखी। यानी अमन अमान उनके नजदीक ये है कि इमलाक एमडीओं की तबाह कर दी जाए, उनकी इबादत गाहें मिसमार कर दी जाए, अगर एमडी मौजूद हो उनको भी जला दिया जाए, और ये अमन अमान ये उनके नजदीक। तो उसको पता नहीं किसने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर लगा दिया है, वो कल को उस जिले का क्या बनेगा जहां अमन अमान इस तरह का जैसे ये उन्होंने किया। सिंसा ये इसके अलावा भी वाकयात बहुत सारे देखें, बेशुमार वाकयात, खासतौर पे बदनामे जमाना ऑर्डिनेंस 20 जो ज़ियाउल्लाह के दौर में लगा 84 में, उसके बाद से हमारी बेशुमार बयूतु ज़िक्र नमाज सेंटर्स और इन पे हमले किए गए, उनको जलाया गया, तबाह किया गया, सील किया गया, और गैर अहमदियों ने कब्जे भी कर लिए। जैसा वो कहते हैं कि दुलमियाल वाली जो है वो हमारी मस्जिद है, वो उस वक्त फौरन मस्जिद हो जाती है, सिर्फ हमारी का फर्क पड़ता है,
उस वक्त मस्जिद हो जाती, मस्जिद हो जाती। अच्छा, इस वक्त तक जो 27 हमारी ब्यूथोजी का जो है वो डिमोलिश कर चुके हैं, 33 ऐसी हैं जिनको सील कर दिया गया अथॉरिटीज ने कि ये जिस तरह अभी कहा कि अमन की मतदान की थी वो गिर गई सील होके, क्वेटा की है वो सील होके, और बेशुमार हैं इस तरह की जो बड़े प्रोमिनेंट जगहों पे हमारी ये ब्यूथोजिकर पुरानी थी वो सील कर दी गई, जिनको आग लगा दी गई और नुकसान पहुंचाया गया जुजवी वो 23 हैं, और जिन पे कब्जा कर लिया गया वो 17 है। तो अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि पिछले चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला भी दिया था कम्युनिटीज के हवाले से कि उनकी इबादत गाहों का और उनके हर स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन वो मेरा ख्याल हमें उसमें से शायद ये वो अब चीफ जस्टिस साहब को चाहिए ना कि अब वो जो सो मोटो लेने के हवाले से बड़े मशहूर है वो इस बात पे भी उनको चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है वो ज्यादा दूर का नहीं है, सद्दक हुसैन साहब का फैसला। कम अज कम इससे जो डीपीओ साहब कह रहे हैं कि हमने ये अमन मान लिया, ये नाज़रीन हमारे देखेंगे कि ये अमन ये अमन मान है कि वो एक इतनी तारीखी चीज को गिरा दिया गया जो जिनकी दुनिया हिफाजत करती है सारी, और उसको गिरा दिया गया। हम ये समझते हैं कि हमारा राइट ऑफ वर्शिप जो है ना वो इसको डिनाई कर रहे हैं, हमारा इबादत का हक ना हमें बोलने की आजादी है ना हमें अपने आप को हम जो हैं वो कहने की आजादी है, ये जो हमें समझते हैं हम अपने आप को भी वो कहें, ये कहते हैं कि जी आप जो हम आपको समझते हैं वो आप भी समझे, आप भी समझे अपने आप को, नाते का सर गर्व सर बगैर बाह है इसे क्या कहिए। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हम मुकर्रम सलीमुद्दीन साहब का तो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इसी के साथ जिनको वाकई पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है हम उनसे बड़े ही दर्द दिल से ये अपील करते हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क को मजीद बर्बाद होने से बचा लें। महज अहमदियों के नाम पे जो मामला 1953 से चला उसके बाद मुल्क में फिरकावारियत फसादात और जो कुछ हो चुका है, जितनी नफरतें इस मुल्क में परवान चढ़ चुकी हैं पूरी दुनिया में, ये एक बदनामी का सिंबल बन चुका है कि जो इस बात को अमन करार देते हैं कि अहमदियों की जो प्रॉपर्टी है उसको मिसमार कर दिया जाए, जो उनकी इबादत गाहें हैं जिनको हम मस्जिद नहीं कह सकते उनको भी गिरा दिया जाए, अगर अहमदियों तो उनको जला दिया जाए, और फिर भी वो कहते हैं कि जी हम चूंकि मौलवी हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि हमने ये अमन अमान किया, पता नहीं उसमें अब ये क्या शुक्रिया था। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पर रहम करे, और काश के कोई ऐसे हुक्मरान आए जो कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दें। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।